हमारे साथ में इस समय केजीएमयू के कुल सचिव आशुतोष कुमार द्विवेदी जी हैं, जिनके पास शासन के स्तर से वीसी और केजीएमयू वीसी की तरफ से मैसेज आ चुका है कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर। कर्मचारियों से भी अभी बातचीत की, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कर्मचारियों के बीच आप गए थे, क्या बातचीत हुई, क्या मैसेज उनको दिया? देखिए, कर्मचारियों की जो मांग है पीजीआई के समानता के आधार पर पे स्केल और सुविधाएँ दिए जाने की, वो 16 से ही लॉन्ग अवेटेड है। समय समय पर कुछ आंदोलन कभी किए तो कभी एक कैडर, कभी दो कैडर, कभी चार कैडर का होते हुए 8 कैडर का भी रीस्ट्रक्चर हुआ है और वो सुविधाएं मिली हैं। कुल 42 कैडर के जीएमयू में हैं और कर्मचारी उसी के लिए आंदोलित हैं और कि हमें वो दिलाया जाए, हमारा बहुत साल बीत गए। अब चूँकि हम लोग हर स्टेज पर कई बार ऐसे आंदोलन हुए, हम लोग शासन से वार्ता करके इनको भी समझा कर जनहित में, मरीज हित में इन आंदोलनों को समाप्त कराते रहे हैं। अब ये हम लोगों के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो इन लोगों से और शासन से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई आप लोगों को ये प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हम लोग करा देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, जो हमें जानकारी मिली है और जो डिप्टी सीएम का, आप ही के चैनल पर डिप्टी सीएम साहब का जो विभागीय मंत्री जी भी हैं, उनका जो बाइट प्रसारित है उसमें उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इन समस्या को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके समाधान के लिए निर्देश दे दिए हैं, तो उन सब चीज़ों से हमने अवगत कराया है। फिर भी ये अभी संतुष्ट नहीं है, तो प्रमुख सचिव सर से इनकी वार्ता कराकर कन्विंस कराया जाएगा ताकि कल से ओपीडी और मरीजों की हित के काम में कोई बाधा ना आ सके। हज़ारों मरीज क्योंकि ओपीडी में आता है केजीएमयू की दूर दराज से जो यहाँ पर आए हैं, उनके लिए क्या कुछ, अगर आज ये जल्दी समस्या का समाधान होता है, क्या कुछ समय के लिए ओपीडी आप लोग चलाएंगे या कल ही फिर? अब इसमें ये कोशिश की गई है कि जो भी सीरियस पेशेंट हों या महत्वपूर्ण हों, उनको ट्रामा या अन्य इमरजेंसी सर्विसेज के लिए उनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, लेकिन वो बहुत सिलेक्टेड ही ऐसा लाभ ले पाते हैं, पूरे संख्या का कोई समाधान नहीं हो पाता, चीज़ें अवरोधित तो हो ही गई हैं। सवाल ये तो शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं अगर बात करें, लेकिन जो शिक्षक यानी जो फैकल्टी है, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी समस्याएं, उसको लेकर भी वो अपनी जीबीएम कर रहे हैं, उन्होंने भी इसी तरह की एक चेतावनी दी हुई है कि आगे कार्य बहिष्कार करना पड़ सकता है, क्या उनकी समस्याओं का भी समाधान, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब ने तो बोल दिया है? हाँ, उनकी भी समस्या के समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है, इसलिए उम्मीद है कि वो हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ में केजीएमयू के कुल सचिव आशुतोष द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि शासन के स्तर से मैसेज आ चुका है, हालांकि कर्मचारी जो हैं वो अभी विश्वविद्यालय प्रशासन के समझाने पर संतुष्ट नहीं है, ऐसे में उनकी मुलाकात प्रमुख सचिव से कराने की बातचीत चल रही है और ये कोशिश है कि अब कल से जो ओपीडी है केजीएमयू की उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। बहरहाल आज जो यहाँ पर गंभीर मरीज होंगे, इमरजेंसी के मरीज होंगे, उनमें जितनों को ट्रॉमा या बाकी जगह पर सुविधा मिल सकती है भेजने की कोशिश की जा रही है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।